काव्य पाठ के लिए आदेश हुआ है, कुछ पंक्तियां हाजिर करना चाहता हूं कि सबसे पहले आपसे जोड़ रहा हूं। हमने कहा सलीम का सलाम लीजिए। वाह वाह वाह। और चार पंक्ति मैं भी हाजिर करना चाहता हूँ कि हमारे सुनील भाई ने बहुत बड़ी रचना बनारस पर आकर के नई रचना उन्होंने सुनाया, चार पंक्ति मैं हाजिर कर रहा हूँ सुने कि यही यही भोले की नगरी है, यही गंगा का पानी है। अगर पंक्ति मजबूत भी मिल जाए तो थोड़ा सा हौसला आप जाहिर कर दीजिएगा, घर का एक बालक पढ़ रहा है, घर का बच्चा पढ़ रहा है, ये हौसला चाहिए कि यही भोले की नगरी है, यही गंगा का पानी है, यहाँ की सभ्यता सबसे कदीमी है पुरानी है, यहाँ की सभ्यता सबसे कदीमी है पुरानी है, ये दिल्ली राजधानी हुक्मरानी के लिए है बस है, ये दिल्ली राजधानी हुक्मरानी के लिए है बस। अरे हकीकत में तो भारत की ये काशी राजधानी है भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद सलीम भाई, वाह वाह वाह। ये काशी राजधानी है। और एक नारा कि सबका साथ सबका विकास, विकास मंत्री महोदय हमारे हमारे महोदय हमारे काशी के गौरव गौरव मैं हाजिर करना चाहता हूँ भैया सुनेगा। और वो चीज आज ये मंच पर मौजूद है। देखिए एक मुसलमान पढ़ रहा है, एक सरदार जी बैठे हुए हैं, जैन साहब बैठे हुए हैं, अनिल चौबे जी बैठे हुए हैं। ये है सबका साथ सबका विकास। अगर हमारी बात सही लग रहा हो तो मंत्री जी के लिए जो मंच सजवाया है उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। चारों जानिब ही जगमगा डाला, ये विकास हमारे मंत्री जी का कार्य, ये पर्यटन विभाग का कार्य, मंत्रालय का कार्य, वो हाजिर कर रहा हूँ चार पंक्ति में, चार पंक्ति में कि चारों जानिब ही जगमगा डाला, रौनक के घाट भी बढ़ा डाला, चारों जानिब ही जगमगा डाला, रौनक के घाट भी बढ़ा डाला, शहर काशी को मेरे मंत्री जी स्वर्ग से भी हंसी बना डाला। वाह भैया वाह, स्वर्ग से भी हंसी बना डाला। और ये हुआ था कि हास, मैं सब रंग में पढ़ता हूँ लेकिन यहाँ बातें जो हुई हैं मैं वहीं से जुड़ना चाहता हूँ। कश्मीर की बात हुई, चीन की बात हुई, मैं चार पंक्ति में कश्मीर समस्या ही दूर कर देना चाहता हूँ भैया, हाजिर कर रहा हूँ। मंत्री महोदय जी से खास गुजारिश है कि सुनेंगे, तमाम अधिकारी लोग बैठे हैं, मसला हल चार पंक्ति में, चार पंक्ति में, चार पंक्ति में। हुकूमत मशवरे पर कर मेरे तैयार हो जाए, हुकूमत मशवरे पर कर मेरे तैयार हो जाए तो ये मुमकिन नहीं कश्मीर में फिर्रार हो जाए। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि किसी प्रांत में 15 दिन पहले माननीय अमित शाह जी पहुंच जाएं और वहां चुनाव कर दीजिए, करा दीजिए, रिजल्ट जो आता है आपको मालूम है। मैं मुक्तक हाजिर कर रहा हूं, अगर मजबूत मुक्तक होगा तो हवा में हाथ लहरा दीजिएगा। पंक्ति भैया जी, भाई जी सलीम, ये हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए तो ये मुमकिन नहीं कश्मीर में फिर्रार हो जाए। अरे चले जाएं अमित शाह पाक में कुछ रोज की खातिर, यकीनन पाक में भी भाजपा सरकार हो जाए। भाई बहुत बढ़िया, यकीनन पाक में भी भाजपा, अच्छे बात। ये ताली कमजोर है, ताली उस पार तक जानी चाहिए, एक बार थोड़ा एहसास दिलाइए।
बहुत अच्छे और अच्छा ठीक है, इससे ज्यादा ताली बजवाने के लिए मैं हाजिर कर रहा हूँ। हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं हाजिर कर रहा हूँ, हाजिर कर रहा हूँ कि नफरतों की तोड़ डालो अब यहाँ जंजीर को, अपने हाथों मत बिगाड़ो देश की तस्वीर को, तस्वीर को भैया, कि नफरतों की तोड़ डालो अब यहाँ जंजीर को, अपने हाथों मत बिगाड़ो देश की तस्वीर को। और जब वतन का बच्चा बच्चा जानिसारे हिंद है तो पाक में हिम्मत कहाँ जो छीन ले कश्मीर को, पाक में हिम्मत कहाँ जो छीन ले कश्मीर को, पाक में। अच्छा अच्छा, जब बात आई गई है तो हाजिर कर रहा हूँ कि पाकिस्तानियों सुनो, सुनो पाकिस्तानियों सुनो, कि मोहब्बत हो, इसलिए कम वक्त है, इसलिए दो चार मुक्त तक हाजिर करके आपसे विदा लूंगा, हमारे मेहमान आए हैं मैं उनको सुनूंगा, कि मोहब्बत हो तो हम लेकर गले का हार बैठे हैं, हार बैठे का हार। ये काशी के तरफ से, बल्कि पूरे देश की तरफ से ये मुक्तक उस पार पहुंचा रहा हूं भाई साहब, अच्छा लगेगा तो साथ दे दीजिएगा। ये पाकिस्तानियों सुनो, मोहब्बत हो तो हम लेकर गले का हार बैठे हैं, न हो उल्फत तो फिर जूता लिए तैयार बैठे हैं। थोड़ा थोड़ा माहौल दे दीजिए, थोड़ा माहौल दे दीजिए भाई, बहुत बढ़िया सा, शानदार शानदार। मोहब्बत हो तो हम लेकर गले का हार बैठे हैं, न हो उल्फत तो फिर जूता लिए तैयार बैठे हैं। तबाही या सुकून जो चाहते हो मुंतखब कर लो, सभी से हम निपटने का लिए हथियार बैठे हैं, सभी से हम निपटने का लिए हथियार बैठे हैं, क्योंकि ये भारत है, यहाँ हर कौम के जीदार रहते हैं। पंक्ति हाजिर कर रहा हूँ। अच्छा है भाई, ये भारत है, यहाँ हर कौम के जीदार रहते हैं, ये गफलत में नहीं, हर दम सुनो बेदार रहते हैं। अरे तुम अपने भेड़ियों को पाक में ही बांध कर रखो, हमारी सरहदों पे शेरे नर खूखार रहते हैं। अच्छा है, शेरे नर खूखार रहते हैं। और भाई साहब, आए दिन कश्मीर की मांग, मैं वादा करता हूँ, लोगों के बीच में, तमाम लोगों, लेकिन मेरा बात, मैं जो कह रहा हूँ मान, कि नफरत की दीवार गिरा कर देखो तो है पाकिस्तानी भैया, एकदम अलग, जो नहीं कहना चाहिए वो कह रहा हूँ। स्वागत है बढ़िया, क्या पाकिस्तानियों सुन, नफरत की दीवार गिरा कर देखो तो, आतंकी किरदार मिटा कर देखो तो, नफरत की दीवार गिरा कर देखो तो, आतंकी किरदार मिटा कर देखो तो, अरे बेमांगे कश्मीर तुझे मिल जाएगी, भारत में तुम पाक मिला कर देखो तो, वाह भाई वाह, भारत में तुम पाक मिला कर देखो तो। समझदार लोग हैं ये, मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अगली पंक्ति के लिए, बहुत मन से सुन रहे हैं, मन से, और एक दो मुक्तक, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बाहर के मेहमान में उन्हीं को सुनूं, हम लोग तो सुनाते रहते हैं, एक दो मुक्तक और हाजिर करना चाहता हूँ। सुने भैया, सुने भैया, उन्हीं की नजर चार पंक्ति जो आए दिन बेगुनाहों का लहू बहाते हैं, के यूं हंगामा मचाने से मियां शोहरत नहीं मिलती, ऐ आतंकवादियों सुनो, यूं हंगामा मचाने से मियां शोहरत नहीं मिलती, दरिंदेपन के बायस जान ले इज्जत नहीं मिलती, अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो नेकी कर इबादत कर, इबादत कर, अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो नेकी कर इबादत कर, लहू नाहक बहाने से मियां जन्नत नहीं मिलती, लहू नाहक बहाने से मियां जन्नत नहीं मिलती। इसीलिए खुल के कहना चाहता हूँ भाई साहब, कि इस देश की धरती से जिसे प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, इस देश की धरती से जिसे प्यार नहीं है, इस देश में रहने का वो हकदार नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा माहौल दे दीजिए, जाते जाते विदा कीजिएगा, कि इस देश की धरती से जिसे प्यार नहीं है, इस देश में रहने का वो हकदार नहीं है, बेहतर है कि अपने से वतन छोड़ दे, वरना ऐसों को मिटा देने से इनकार नहीं है, ऐसों को मिटा देने से। और जाते जाते अंतिम चार पंक्ति पढ़ के विदा लेना चाहता हूँ, कि दिमाग हो कहीं
मजहब के लोग यहाँ सरदारी बैठे हुए जैन जी सुने जी भाई, दिमाग हो कहीं ठीक है, आप सनातन में हैं, हम इस्लाम में हैं, वो सिख है, वो जैन है, जो जहाँ है रहे, दिमाग हो कहीं पर दिल वतन के साथ रहे, दिमाग हो कहीं पर दिल वतन के साथ रहे, हर एक सांस इसी अंजुमन के साथ रहे, मेरे लिए यही जन्नत से कम नहीं होगा, मरू मैं जब भी तिरंगा कफन के साथ रहे। वाह बहुत।